एसयूवी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री, बहुत ढेर सारे मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एसयूवी मार्केट में उतार रहे हैं। कारण यही है क्योंकि उसकी सेल्स बहुत अधिक हो रही है, लोगों को एसयूवी गाड़ियां बहुत पसंद आ रही हैं क्योंकि इनका जो रोड प्रेजेंस होता है बहुत ही कमाल का होता है। इसके साथ साथ अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये आने वाले टाइम में सक्सेस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हाइड्रोजन आने वाले टाइम में आएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि फ्लैक्स फ्यूल की तरफ पूरी इंडस्ट्री कन्वर्ट हो रही है, तो क्या ईवी सस्टेन करेगा? ढेर सारे लोगों का ये भी सवाल है कि रेंज एंजाइटी को कैसे दूर करें, फास्ट चार्जिंग को कैसे किया जाए। तो उन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं क्लियर करूंगा आज के इस एपिसोड में कि अगर आप फास्ट चार्जिंग से अपनी कार को चार्ज करते हैं तो कैसे कम समय में आप 60-70 किलोमीटर की रेंज पा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ है ऑडी Q8 ई-ट्रॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी, जो दिखने में बेहद ही खास है। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और इसका जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्या है उसको मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस गाड़ी में क्या कुछ है खास। तो शुरुआत इसके लुक और डिजाइन से करते हैं। Audi Q8 e-tron दिखने में स्पोर्टी और क्लासी लगती है। इसमें डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलैम्प और डायनेमिक टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। इसके अलावा सिंगल फ्रेम प्रोजेक्टर लैंप भी मिलते हैं। इसमें पैरानोमिक सनरूफ के साथ फ्रंट और रियर में डोर एंट्रेंस LED प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर काफी लग्जूरियस केबिन मिलता है, खासतौर पर इसका कॉकपिट जो दिखने में काफी प्रीमियम है और उसमें दिए गए फीचर्स भी काफी उपयोगी हैं। इसके अंदर वॉल्केनो एंड मिलानो लेदर अपहोल्ड्री सीट मिलती है जो काफी कंफर्टेबल तो है ही, साथ ही साथ सीट में फ्रंट सीट पर हीटर और वेंटिलेटेड सीट आपके भी केबिन एक्सपीरियंस को यादगार बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको फ्रंट सीट पर मसाज फीचर मिल जाएगा जो लॉन्ग ट्रिप के दौरान काफी काम आता है। स्टीयरिंग व्हील पर लेदर का इस्तेमाल किया गया है, वहीं स्टीयरिंग पर मल्टी फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए बटन भी दिए गए हैं जो ड्राइवर को बिना डिस्ट्रैक्ट होकर गाड़ी चलाने में मदद करते हैं। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट्स मिलती हैं जो 30 से ज्यादा कलर के माध्यम से रात के समय केबिन की शोभा बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के केबिन के अंदर कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके टच स्क्रीन से। इसका जो टच स्क्रीन है बेहद ही खास है। नॉर्मल गाड़ियों में आप ऐसे टच करते हैं तो काम करता है, लेकिन ये देखिए इसमें टच करते ही काम नहीं कर रहा है। लॉजिक क्या है, इसको जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ बटन है, ये बटन ऑटोमेटिक काम करता है। यहाँ पर रेडियो, मीडिया, रेडियो में आपके पास ये म्यूज़िक के फीचर्स मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पर आए, मीडिया में आप आए, यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप एप्पल यूज कर रहे हैं या फिर आप एंड्रॉयड फ़ोन। नेविगेशन आपको यहाँ मिल जाता है, टेलीफोन आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन ऐप जो जो इस गाड़ी से जुड़ी हुई ऐप है एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये यूज़र्स यानी जो भी व्हीकल ऑनर है वो अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकता है। ये काफ़ी सिक्योर है। और यहाँ पर है इसका FM का, इसको हम इसे बंद कर देते हैं। ये है आपका मीडिया और सेम वही कॉल फंक्शन, और सबसे अच्छा इसका नेविगेशन है, आप कहीं पे भी सर्च करेंगे इजीली चले जाएंगे। अब बात करते हैं इसके कॉकपिट की। तो इसका जो कॉकपिट एरिया है वो बहुत ही लग्जूरियस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। रात के समय पे अलग ही किस्म के चमकते हैं। रात के समय मैंने इसको चलाया तो अब आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि रात के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है तो पूरी लाइट यहीं की जलती है। यहाँ पे आपको मैनुअली कुछ भी नहीं, सब कुछ आपको टच के ज़रिए एक्सेस करना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने सीट को देखते हैं, वेंटिलेटेड सीट है और आपको AC चाहिए तो यहाँ पे आप AC सेट कर सकते हैं। ये ड्यूल जोन है, ड्राइवर या फिर को ड्राइवर अपने सुविधा के अनुसार अगर ये AC कम ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके टेम्परेचर को सेट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से घटा रहा हूँ इसको। अब इस साइड का मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, इधर से घटा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं ऐसे लग्जूरियस गाड़ी के अंदर जिसमें ऐसे फीचर्स मिलते हैं, उसको आप मैनुअली एक्सेस नहीं कर रहे हैं बल्कि आप टच के जरिए कर रहे हैं, और इसका जो टच है उसका फील बहुत ही अलग है। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसी गाड़ियों को चलाते हैं तो उस समय पर आपकी जो फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, और आप अपने ड्राइविंग को इन्जॉय करते ही करते हैं, साथ ही साथ आप एक एडवांस फीचर्स से जुड़े हुए खुद को महसूस करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या कुछ मिलता है।
तो यहाँ पे आपको पूरे रेंज देखने को मिलेंगे कि गाड़ी अभी कितना आपकी चार्ज है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे फ्यूल टैंक होता है कि कितने परसेंट आपकी उसमें फ्यूल बचा है, तो उसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिखा रहा है, 100% इसको बोलते हैं जीरो इसे। जैसे कि आप फ्यूल में देखते हैं यहाँ पे फुल होता है और यहाँ पे एंड होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इतनी बैटरी बची हुई है और ये चलेगी 198 किलोमीटर, यानी कि अभी इस गाड़ी में उतनी बैटरी बची है जितना आप इसको 198 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। ऑल्दो कि ये रेंज एंजाइटी जो इशू है इंडिया में वो बहुत अधिक है, मैंने भी इसका सामना किया, लेकिन बहुत ढेर सारी जगह ऐसी है जहाँ पर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क हैं, तो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के जरिए अगर आप चाहते हैं कि आप 20 किलोवाट आर अगर अपने कार को चला के कहीं जाना चाहते हैं, सपोज़ दैट कि लोगों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं उस समय पर उसको चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो हम क्या करें, तो सबसे पहले आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने जाते हैं ख़ास तौर पर फास्ट चार्जिंग से, तो जिस एप्लीकेशन के जरिए आप चार्ज करते हैं वहाँ पे आपके पास सुविधा होती है कि आप कितने किलोवाट का चार्ज करना चाहते हैं और उसकी भी एक लिमिट है, जैसे कि 10 किलोवाट आर, 20 किलोवाट आर या 25 किलोवाट आर, उसके हिसाब से आप उसको करते हैं, उसी जो किलोवाट है उसके अनुसार आप पैसा देते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा था, उसमें मैंने 10 किलोवाट आर की उसको चार्ज किया फास्ट चार्जर से, उसकी कीमत जो थी 298 रुपीस के आसपास थी, मात्र 15 मिनट लगे। कैन यू इमेजिन, 15 मिनट के अंदर जो चार्ज हुआ था उससे मैं 80 से 90 किलोमीटर तक अपने व्हीकल को चलाया हूँ। तो अगर आप ऐसी कहीं जगह पे आप फंसते हैं जहाँ पे आपको कहीं इमीडिएट जाना है, तो 10-15 मिनट आप अपने व्हीकल को चार्ज में लगाइए और अपने गंतव्य पे आसानी से जाइए। तो ये मामला एकदम शॉर्ट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता जितना हम इसको अभी बनाए हुए हैं। इस इलेक्ट्रिक कार में 114 kWh की बैटरी लगी हुई है जो सिंगल चार्ज पर 600 किलोमीटर की रेंज देने के लिए जानी जाती है। हालांकि हमने सिटी ट्रैफिक में इसकी रेंज को टेस्ट किया था जहां इस ईवी से 580 के आसपास की रेंज मिली। स्पीड के मामले में भी ये गाड़ी बेहद कमाल की लगती है, मात्र 5.6 सेकेंड्स में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें 300 kWh का मोटर भी है जो 408 हॉर्स पावर और 664 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। ड्राइविंग के समय आपको इसका टॉर्क काफी महसूस होगा। वहीं अगर आप किसी गाड़ी से ओवरटेक करते हैं तो इसका क्विक एक्सीलरेशन आपकी काफी हेल्प करेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें एडॉप्टिव एयर सस्पेंशन दिए गए हैं जो किसी भी टेरेन में स्मूथ ड्राइविंग की एक्सपीरियंस देगी। एक्सटीरियर कलर की बात करें तो ग्राहक मदीरा ब्राउन, क्रोनोस ग्रे, ग्लेशियर व्हाइट, मिथॉस ब्लैक, प्लाज्मा ब्लू, सोनेरा रेड, मैग्नेट ग्रे, सियाम बेज और मैनहट्टन ग्रे में अपनी पसंद का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी ओर इंटीरियर थीम में ओकापी ब्राउन, पर्ल बेज और ब्लैक कलर शामिल है। इस एसयूवी का इंटीरियर भी काफी हद तक अपने पुराने मॉडल जैसा ही है। इसमें सेंटर कंसोल पर 2 टच स्क्रीन सेटअप दिए गए हैं। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 10.1 इंच की स्क्रीन और HVAC कंट्रोल के लिए 8.6 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसमें ऑडी के वर्चुअल कॉकपिट प्लस के साथ एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 16 स्पीकर, बैंग एंड ओल्सेन स्पीकर सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो AC चार्जर के साथ इसे 6 घंटे में 0 to 100% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि DC फास्ट चार्जर के साथ इसे 31 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग के लिए इस कार में दोनों तरफ चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं।